पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो आज के दौर के सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर्स में गिने जाते हैं और एक कमेलियन की तरह ये अपना रंग जिस किरदार को निभाते हैं उसकी तरह बदल देते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं कि स्क्रीन में हम नवाज को देख रहे हैं या फिर उस किरदार को जिसे ये प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर अगर आपने हड्डी देखी है तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। टॉकिंग अबाउट द नेशनल अवार्ड विनर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको हड्डी के उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो ऑफ कोर्स हम नवाज से बहुत सारी बातें करेंगे, बट सबसे पहले नवाज, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। और मुझे एक ये बात बताइए कि एक और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देकर कैसा महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स मैं जिस भी प्रोजेक्ट में कुछ अलग किरदार किया जाता है और मेहनत की जाती है, मतलब होशो हवास सामने रख के, तो उसको जब रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा, तो मुझे भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट किरदार था वो, बहुत बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल किरदार था, क्योंकि आई थिंक ठाकरे के बाद ये किरदार ऐसा था जो मैं मुझे करते हुए बहुत परेशानियों का सामना करना। राइट। तो ऐसे में जब आप इतनी मेहनत एक प्रोजेक्ट के पीछे, अपने एक किरदार के पीछे करते हैं और नवाज इतना अच्छा अप्रिसिएशन, इतना अच्छा रिस्पांस आता है, इनफैक्ट जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये वो कम्युनिटी है जहां हम एक स्टीरियोटाइप में बांध लेते हैं कि ये है तो ये ऐसे बोलेंगे ये ऐसे, बट आपने बिल्कुल आउटडन कर दिया है, आपने वो स्टीरियोटाइप क्लीशेस को नहीं प्ले किया है बल्कि उस कम्युनिटी के सोल को रिप्रेजेंट किया है। सो वहां से वो फीडबैक आना, वो कैसी एक फीलिंग है? ऑफ कोर्स जो उसमें 40 डेज का जो उसमें प्रोसेस दिखाया है, ये वही उस चीज़ को वही फील कर सकता है जिसने प्रैक्टिकली उस चीज़ को जिया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, मेल को ट्रांसजेंडर ट्रांससेक्सुअल, तो वो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। उस पेन तक जाना, मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट एक्चुअली। और जब उस इसी जो 40 डेज था, इसी प्रोसेस को जब हमने पिक्चराइज किया और जब उसका फीडबैक आया उन्हीं के थ्रू, तो डेफिनेटली बहुत खुशी हुई। एटलीस्ट मुझे जहां से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वहां से मिल गया अप्रिसिएशन, ये बहुत अच्छी बात थी। राइट, बिकॉज बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी जब फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी तो ये भी आई कि अरे आपने उसी कम्युनिटी के एक्टर को क्यों नहीं लिया, बट आई थिंक जब आपको कोई पर्दे पर देखता है तो भूल जाता है वो सारी क्रिटिसिज्म को। आई थिंक ऑफकोर्स लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो प्रिपरेशन जो होती है, देखिए ये पूरा किरदार, ये ऐसा किरदार था जिसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड थी। और ये कहना कि भाई उन्हीं को करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए था ऑफकोर्स, लेकिन उसके लिए प्रोसेस होती है जिससे गुजरना पड़ता है। और बाकायदा अगर कोई करना चाहता है, कोई किसी भी फील्ड में अगर वही इंसान वो किरदार करना चाहता है, वो तो चूंकि वो है ऑलरेडी, लेकिन उसको इनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग, ये वो एक्सपीरियंस और थॉट प्रोसेस जो होती है, उसको उसमें जाना पड़ेगा। जिसने ये कर लिया तो वो कर सकता है, इजीली कर सकता है, क्योंकि राइट एक्टिंग कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्न होती है, डेफिनेटली ये भी सीखी जा सकती है। राइट, पर नवाज आप हमेशा ये कहते हैं कि आप एक एक्टर हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी किरदार दिया जाए अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको प्ले करेंगे क्योंकि वो आपका स्किल है, आपकी एक्सपर्टीज है। बट ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करना जिसकी आप रिसर्च भी आपने जो है उन लोगों के बीच रहकर ही की है, बट एक जेंडर ही बिल्कुल डिफरेंट प्ले करना और उसको इस कॉन्फिडेंस के साथ प्ले करना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा हम भूल गए कि हम नवाज को देख रहे हैं या हम हरिका को देख रहे हैं, तो वो जो चैलेंज होता है अपने आप को, अपने दिमाग को तैयार करना उसके लिए, उसकी कोई खास प्रोसेस आप निभाते हैं? बहुत सारी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए वाकई एक प्रोसेस में ढलना पड़ता है, एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। इट्स नॉट ओनली कि भाई चलो अब मुझे ट्रांसजेंडर का रोल मिल गया, ट्रांससेक्सुअल का रोल मिल गया, तो मैं कपड़े पहन लिए और हो गया, थोड़ी सी आवाज़ चेंज करके, वो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, आवाज़ चेंज की, कॉस्ट्यूम और जो मेकअप था वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरा काम क्या है, उसकी सोल को पकड़ना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, या उनकी जो पेनफुल प्रोसेस होती है, या जो उनका विश होती है। जैसे मेरा बहुत सारे ट्रांसलेशन लोगों से जब मुलाकात हुई, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो फीमेल कंप्लीट होना चाहते हैं, जब फीमेल कंप्लीट होना चाहते हैं,
तो ये उनके हमेशा एक उनका ड्रीम होता है, एक विश होती है, एक एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उनकी टू बिकम अ फीमेल, यू नो। तो वही चीज को मैंने दिमाग में रखा और मैंने सोचा कि मैं इसको एज ए ट्रांसजेंडर या एज ए ट्रांससेक्सुअल मैं इसको प्ले नहीं करूंगा, एज ए फीमेल प्ले करूंगा। तो दिमाग में मेरे वही था और उसी तरीके से मैंने प्ले किया। तो बहुत सारी बट प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर तो काम करना ही पड़ता है। कुछ कैरेक्टर होते हैं तो जो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। जी। अच्छा नवाज, जब हम फिल्मों में या वेब सीरीज में ऐसा ऐसा कंटेंट देखते हैं या ऐसे सीन्स देखते हैं जो हमारी रूह को भी छूकर चले जाते हैं या कहीं ना कहीं हम कांप जाते हैं, तो एज एन ऑडियंस, सिर्फ महज एक ऑडियंस के लिहाज से ही हमें उससे निकलने में वक्त लग जाता है, उसको भूलने में वक्त लग जाता है, आगे बढ़ने में वक्त लग जाता है। बतौर एक कलाकार, जब आप ऐसा एक किरदार प्ले करते हैं जो उस सीन को इनैक्ट कर रहा है, आपके लिए कितना मुश्किल रहता है उस किरदार से निकलना, आपके लिए कितना वक्त लगता है? वक्त लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई ऑफ किया ऑफ हो गया, ऑन किया ऑन हो गया, वैसा नहीं। ये एक केमिकल बॉडी है, इंसान है, केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ कुछ घटता है डेफिनेटली, अंदर कुछ घटता है, दिमाग में, आपके आपकी सोल में कुछ तो घटता है और वो रह जाती है, कुछ चीज़ रह जाती है। कहते हैं ना कि किरदार से अगर आप कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ बहुत कुछ लेके चला जाता है। तो निकलना जहाँ तक है बहुत आसान नहीं होता। कुछ कैरेक्टर्स मेरे ऐसे रहे जैसे लाइक रमन राघव था, ठाकरे था, या ये है जो ट्रांसजेंडर का मैंने हरिका का रोल किया। ये वाकई किरदार ऐसे थे जिनसे निकलना बहुत मुश्किल था, बट अल्टीमेटली ऑफ कोर्स निकलना ही पड़ता है, एक तरह से डिवोर्स देनी पड़ती है उन कैरेक्टर्स को, अदरवाइज आप आगे जो दूसरे कैरेक्टर वो नहीं कर पाएंगे। निकलने की बहुत सारी प्रोसेस हैं, मतलब दोस्तों के साथ बैठ जाओ, गांव चले जाओ, नॉर्मल फील करो कि मैं वो मेरा काम था, और या अगर नहीं निकले तो किसी की गालियां खा लो तो हो ही जाता है। लेकिन ये कैसा लगता है कि आपने जो कई साल पहले भी एक काम किया हो, उसको आज आप लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन लोग कभी कहते हैं, अरे हमने आपको फला फिल्म में, फला सीरीज में, आपके जब आपने बैकग्राउंड में आप काम करते थे या बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे, आज जब लोग देखते हैं, अरे ये तो नवाजुद्दीन है, और आके आपको कभी लोगों ने कहा है कि अरे हमने तब नोटिस नहीं किया था, बट इट इज यू? हाँ ऑफ कोर्स, चूंकि जब आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आपके पिछले काम भी देखे जाते हैं, या कोई देख रहा है अरे ये तो वो है, कोई अचानक किसी वजह से वो फिल्म देख रहा होगा, अचानक से मैं नजर आ गया उसमें, तो अरे ये तो नमाज है, तो हाँ डेफिनेटली एक एक एप्रिसिएशन तो मिलता है। हाँ एक उनको नजर आता है कि भाई बहुत छोटे मोटे रोल करता था और अभी बड़े रोल कर रहा है, तो उनको एक इंस्पिरेशन भी मिलती है, एक अच्छा वो भी एक आई थिंक लोगों को अच्छा ही लगता है एक तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल किसी भी एक्टर के साथ। राइट। लेकिन आपके लिए अगर मैं बात करूं, एक जूनियर आर्टिस्ट से आज यहाँ पर हेडलाइनिंग द प्रोजेक्ट्स, एक एक्टर बनने का जो सफर है, वो आप अगर लुक बैक करके कभी देखते हैं, अपनी जर्नी के बारे में सोचते हैं, नवाज, कितनी फुलफिलिंग, कितनी सैटिस्फाइंग लगती है, या आपको ये लगता है कि उस वक्त ऐसा कर लेते तो कुछ शायद बदल जाता? आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है डेफिनेटली। हालांकि मैं छोटे रोल करता था, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त पे मैं ट्रेंड था। मैं ये नहीं कि मैं छोटे रोल करते करते बड़े रोल करने लगा, इसके पीछे मेरी एक बैकग्राउंड थी जो बाकायदा मैंने बहुत साल लगाए थे चीज़ों को सीखने में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बैकग्राउंड थी, थिएटर की बैकग्राउंड थी, तो ये सब बैकग्राउंड थी। छोटे रोल तो कर रहा था मैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मुझे एक्सपीरियंस काफी था थिएटर का उस दौरान। अच्छा, आपने कमिंग बैक टू हड्डी, आपने अनुराग के साथ एज अ डायरेक्टर बहुत बार काम किया है, तो आपकी एक वर्क रिलेशनशिप, प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप, बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर आपने बतौर को एक्टर उनके साथ काम किया, तो वो अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो अच्छा था खैर, बट बीच बीच में मैं कॉन्शियस होता था एक्चुअली उनके साथ काम करते हुए। क्यों? अच्छा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ हमेशा मुझे डायरेक्ट किया है, तो जब एज एन एक्टर मैं उनके साथ काम कर रहा था तो हमेशा लगता था कि शायद अभी टोक ना दूं मुझे कि तो ऐसा कभी इसको ऐसे हुआ? नहीं, ऐसे करो, ऐसा हुआ नहीं हालांकि। बट हमेशा एक वो रहा, क्योंकि मैंने हमेशा उनको एज ए डायरेक्टर ही देखा है,
जब वो काम कर रहे थे मेरे साथ, तो मुझे हमेशा यही लगा रहा कि अभी भी शेकिंग डायरेक्ट कर देंगे, अभी ऐसा लगा रहा हमेशा। राइट। अच्छा, आपने एक और चीज की है कि हर एक्टर जो है अपनी जर्नी में एक्सपेरिमेंटल रोल्स भी करता है, एक जॉनर जिसमें लोग ज्यादा उसे देखते हैं उससे हटकर कुछ करता है। एंड इस साल में आपने भी ऐसी कुछ फिल्म्स की हैं, आप रोमांस की तरफ गए, आप कॉमेडी की तरफ गए, बट डू यू अग्री विद मी कि ऑडियंस जो है, आपकी जो ऑडियंस है वो आपको ज्यादा इंटेंस रोल्स में देखना पसंद करती है? हाँ, चूंकि वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे एक्चुअली, जो लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर का या रमन राघव या इस तरह के जो कैरेक्टर थे, वो ज्यादा पॉपुलर इसलिए हो गए थे, तो उसी में देखना वो चाहेंगे। बट वो देखना चाहते हैं ब्लड, लेकिन सवाल मेरा भी उठता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो इसी कश्मकश लगी रहती है कि वो क्या देखना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं तो ऑफकोर्स वो तरह के, उसी तरह के रोल तो मैं कर नहीं सकता, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। कभी कुछ में भी, शायद कभी किसी में वर्क नहीं करेंगे, वर्क कर जाएंगे, तो ये तो प्रोसेस सदा रहेगी, हमेशा रहेगी। राइट। बट एक होता है ना, हमारे कंफर्ट जोन होता है जिसमें सबसे ज्यादा हम सहज महसूस करते हैं। सो एज एक्टर, आपका ऐसा कोई कंफर्ट जोन है, या आप वो एक्टर हैं कि मैं एक कैनवस हूं, मुझे जिस रंग में रंगना है रंग दो? ऑफकोर्स कोशिश वही की जाती है कि एक कैनवस की तरह रहो, जिसमें जिस रंग में आपको रंगे उसमें रंग जाए, एक पानी की तरह रहना चाहिए कि जिस सांचे में डालें उसी में उसी की शेप ले ले। कंफर्ट जोन तो मेरा, देखो गैंगस्टर रोल जो किए मैंने दो तीन, उसमें कंफर्ट जोन मेरा बिल्कुल भी नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छा, मेरा कंफर्ट जोन है जैसे लाइक मंटो, या जैसे ठाकरे किया था, वो मेरा कंफर्ट जोन है। राइट। बिकॉज वो थिएटर से ज्यादा, आई थिंक जो थिएटर एक्सपीरियंस है उसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं ऐसे रोल्स में, जी। राइट। बट कोई प्रायोरिटीज होती हैं आपकी, जब आपको कोई स्क्रिप्ट ऑफर होती है, कोई रोल ऑफर होता है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ ना कहने के लिए, चुनने के लिए आपकी कुछ प्रायोरिटीज हैं? मेरी प्रायोरिटीज ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कैरेक्टर मैं करूं, मैं करने के बाद मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। थोड़ा डिफिकल्ट होने चाहिए कैरेक्टर, कैरेक्टर ड्रिवन होनी चाहिए फिल्म में, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, उनकी इनसिक्योरिटीज होनी, आम ग्रे शेड्स होने चाहिए। एक बहुत अच्छा इंसान है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वैसा मैं कैरेक्टर में, उस तरह के कैरेक्टर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। या एक इंसान है, बहुत ही खराब चीजें हैं उसके अंदर, सारे ही खराब चीजें, ऐसे इंसान कोई होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्रे कैरेक्टर में मेरी मेरी दिलचस्पी है, और वो ऐसे हो जो आपके आसपास नजर आते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके कहीं कस्बे में, गाँव में, घर के पास, इस तरह की जो एग्जिस्ट करते हो, जिस तरह के इंसान एग्जिस्ट करते हो, उस तरह के कैरेक्टर करने में मुझे मजा आता है, बजाय इसके आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई कैरेक्टर है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। मुझे इस तरह के कैरेक्टर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। करेक्ट। तो हड्डी के बाद अब कहाँ और कितनी जल्दी हम आपको देखने वाले हैं? मैं अभी दो तीन फिल्में कर रहा हूँ, एक सेक्शन 108 है, एक और है फिल्म जो अभी रिसेंटली 3 4 दिन पहले उसका हमने वो किया, शुरुआत की है, उसका नाम अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी जैसे फिल्म अब खत्म होने पे आएगी तो हम उसका उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो जी, अभी तो फिलहाल डेफिनेटली मैं दो फिल्म इंतजार को, करूंगी ऐसे एक और इंटरव्यू का। बट नवाज, आपके काम को पसंद करने वाले दुनिया भर में लोग हैं, और हमारे इंटरव्यू के माध्यम से आप अपने फैंस, आपके चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि यही कहना चाहता हूँ कि हर तरह के रोल में एक्सेप्ट किया जाए मुझे, क्योंकि मैं एक बहुत ही मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं वही एक ही तरह के जो पॉपुलर हुए वो रोल उस तरह के रोल करूँ, बट जिस तरीके से लाइक अलग अलग तरीके से, जिस तरह लोग जिस क्राफ्ट को लोग लाइक करते हैं मेरे लिए, अलग अलग तरह के रोल करते हैं, उस अलग अलग तरह के रोल पसंद करते रहे, उसका मौका दें मुझे, बस यही चाहता हूँ। राइट। सो नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए इस इंटरव्यू के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द गुड विशेस, गुड हेल्थ आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।